जब हमने खाते हमने जुड़वाया, हम कितनी कच्ची बस्ती में जाकर के महीने महीने भर का बनाए, साल भर का जो बनाए, अगले महीने में हम ये 10 टोलियां इन 10 बस्ती में जाएंगे, हम ये 5 बार 8 बार हम जलाना, इस प्रकार वो संस्कार न होने कारण फिर उसमें से क्या मदद कर सकते हैं। तो तीन चार बच्चियां तो निकली और मेरा लाइन में खड़ी है, मैं जी नमस्कार क्या दिक्कत है, जरा मैंने डॉक्टर को अपने दिखा दिया, जिंदगी भर आप पैसा नहीं भूली, लेकिन जरा घर से निकल गई, बैठकों से ऊपर उठ कर गई, कार्यक्रमों को संदेश दे करके 10-20 बच्चियों को हमने बचाया, इस तरह के काम। और कई बार दूसरे के परिवार में भी आप रुचि लेंगी, किसी की बच्ची का नहीं तो ये किसी घटना हो गई, ऑफिशियली कुछ नहीं है, कोई वेतन नहीं, मैं तो कहता इतना सब समय निकाल के आती है, ये भी हमको कोई वेतन किसी को नहीं मिलता, हम पार्टी के लिए कुछ ना कोई योगदान करें, लेकिन उस योगदान को आगे बढ़ाएं और क्रियान्वित करें। इतने आप लोगों से निवेदन है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। गत दिनों बाल विभाग रोकने का एक अभियान चला, यह अभियान एक दिन का न होकर के एक लगातार समाज में जागरूकता है, उसके लिए महिला मोर्चा सक्रिय बने, इस दृष्टि से शहर जिला महिला मोर्चे की बैठक और सरकारी योजनाओं को भी नीचे धरातल पर पंडित दीनदयाल जी के जन्म शताब्दी वर्ष में आए उसको भी करके आज चर्चाएँ हुई। ये चर्चा में मैंने आग्रह किया है कि हम नियमित रूप से अपनी टीम बनाकर के अस्पताल भी जाएँ, आंगनबाड़ी भी जाएँ और जो गरीब बस्ती है, पिछड़ी बस्ती है, वहाँ भी जाएँ और वहाँ पर राजश्री योजना जो सरकार की है उसका हम हमारे प्रचार प्रसार भी करें और हॉस्पिटल में यदि कोई बच्ची जन्म लेती है तो तुरंत उसका नाम रजिस्टर होकर के राशि के खाते में उसके पैसे भेजा रुपये जमा हो और जा कर के बेटी के लिए, अब तक तो एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन मैं समझता हूँ इस नारे को और एक्सटेंड करते हुए पहले पढ़ाई फिर विदाई, यानी बेटी कम से कम 12वीं तक पढ़ेगी, 18 साल की होगी, उसके बाद उसकी शादी के बारे में माँ बाप सोचें, इस प्रकार का एक अभियान हम बस्तियों में भी चलाएं, आम जन में भी चलाएं और आंगनवाड़ी में जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे आ रहे हैं वो जो माताएं उनको छोड़ने आ रही हैं उनके साथ भी संपर्क हो और आंगनवाड़ी केंद्र की जो प्रमुख हैं वह भी इसमें रुचि लें, इतना महिला मोर्चा नियमित रूप से छोटी छोटी टीम बना करके इन सब जगह जाकर के इस अभियान को चलाएं और साथ में जो हमारे प्रधानमंत्री जी की माननीय मुख्यमंत्री जी की जो महिला उत्थान की जो योजना है, चाहे वो भामाशाह योजना है, चाहे अपनी बेटी योजना है और अन्य कई प्रकार की योजना है, उसका भी प्रचार प्रसार करके वास्तविक लाभार्थी को लाभ दिलाएं, तो ही जा करके जो पंडित दीनदयाल जी का सपना है, माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक हमारा पास एक विजन है, उस सबको हम साकार कर पाएंगे।